उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिले के होटल धर्मशाला आश्रम को जल एवं वायु निकासी सहमति पत्र के लिए आवेदन नहीं किए जाने से विभाग एक्शन मोड में आ गया। इसको लेकर विभाग अब इनका डेटा तैयार कर मुख्यालय भेजने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल होटल धर्मशालाओं आश्रमों को उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सहमति पत्र के लिए आवेदन करना होता है, जिसमें अपने यहां से जल एवं वायु निकासी का स्पष्टीकरण देना होता है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूरे उधम सिंह नगर जिले में कुल 192 होटल, 25 धर्मशालाएं, 2 आश्रम स्थापित हैं। इनमें से 107 होटल, 4 धर्मशालाएं, 1 आश्रम ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सहमति पत्र के लिए आवेदन नहीं किया। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले एक साल से होटल और धर्मशाला आश्रमों को सहमति के दायरे में लाने के लिए विभाग कार्यरत है। इस समय जो प्रदेश में होटलों का, धर्मशालाओं का और आश्रमों को सहमति के दायरे में लाने के हमारे प्रयास हैं और पिछले 1-1.5 साल से हम प्रयासरत हैं कि ये होटल, आश्रम, धर्मशालाएं जितनी भी हैं ये हमारे सहमति के दायरे में सम्मिलित हो जाएं। इसके लिए पिछले 1 साल से हमने इनको सोपोर जारी किए, तमाम नोटिस जारी किए और इसके साथ ही साथ जो हमारी फीसें हैं, जो शुल्क हैं, जो अधिभार बहुत ज़्यादा था पिछले जो जब से होटल चले तब से हम इनका शुल्क लेते थे, ब्याज आरोपित करते थे, उनको सरलीकरण करते हुए सिंगल टाइम एक तो फीस का स्लैब बदल दिया हमने, बहुत कम नॉमिनल फीस रखी है और अब इतनी सुविधा हमने दे दी है कि आप आ जाइए ये और 1 साल की फीस के साथ हमें आवेदन करिए, हम आपको कंसेंट टू ऑपरेट कंडीशनल हम दे देंगे। और ये हमने 31 जुलाई तक एक योजना चलाई थी और 31 जुलाई तक कई लोगों ने आवेदन किया और कई लोग कतिपय होटल, आश्रम, धर्मशालाएं ऐसे हैं जो अभी तक भी आवेदित नहीं हो पाए हैं, उनका हम डाटा तैयार कर रहे हैं और फर्दर इसको मुख्यालय भेजा जाएगा और फिर जैसी भी कार्रवाई होनी होगी वो की जाएगी। राजस्व को बटोरने की तो बात ही नहीं रहेगी, राजस्व को बटोरने की इसलिए बात नहीं रहेगी, हमारे शुल्क बहुत सरलीकरण हो गए हैं, शुल्क एक किस्म से नॉमिनल शुल्क अब हो गए, मतलब राजस्व के इकट्ठे होने की तो बात ही नहीं रहेगी। देखिए इसको अभी 31 जुलाई तक जितने होटलों, धर्मशालाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है इस पर मुख्यालय स्तर से निर्णय लिया जाएगा और ये प्रदेश भर में एक सामूहिक रूप से एक समान रूप का निर्णय लिया जाएगा कि आगे इस पर क्या करना है, इनको समय दिया जाना है या इन पर कोई और अन्य कार्रवाई की जानी है, इस पर मुख्यालय स्तर से निर्णय लिया। हमारे पास 192 होटल चिन्हित थे पिछले साल, कुछ अभी 4-5 होटल और आए हैं नए, तो 192 होटल एवं धर्मशालाओं में से इस समय 107 होटल हमारे पास ऐसे रह गए हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, 31 जुलाई तक जो हमने इनको सुविधाएं दी थी इसका उपयोग नहीं किया। अब हम इनको हमारे चिन्हीकृत हो गए हैं, इनको मुख्यालय भेजा जाएगा कि फर्दर डायरेक्शन क्या होती है। और 26 धर्मशालाएँ हमारे पास थी जिसमें से 4 धर्मशालाओं में अप्लाई करने के बाद इनको कंसेंट टू अप्रूव मिल गया है और कुछ ये रह गई।